लेट्स गो फॉर डिनर। और आज मैं आई हूँ, एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से, तो क्यूट, मैं बहुत तैयार व्यार होकर आई हूँ। और मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से, आपको पता है कि केले के पत्ते होते हैं, उन पर खाना मिलता है, सो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ साउथ इंडिया में। तो जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, सो मैं कब से हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे खाना है खाना है खाना है। सो आज फाइनली हम आए हैं, तो आपने देखा मेन्यू इतना प्यारा सा था, और फाइनली हमारे पास आ गई पत्तियाँ, केले के पत्ते ऑलरेडी वहाँ पे टेबल पे थे जिसपे हमें खाना सर्व होगा। और दादू रुद्रा को खिलाते हुए, इवन यहाँ का स्टाफ रुद्रा को खिला रहा था ताकि हम आराम से खाना खा पाए। एंड रुद्रा सो हैप्पी, उसको लॉलीपॉप दे दी स्टाफ ने, एंड ही सो एक्चुअली इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे थी सब्जियाँ, दाल, बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली मैंने नाम पूछे बट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कैसे नाम थे, उनको क्या बोलते हैं। लिटरली इतना सारा चावल और बहुत सारा घी। सो या चलो, खाना आ गया है सारा का सारा, और अब हम करेंगे ट्राई। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि मैं डिज़र्ट से ट्राई करती हूँ। आई डोंट नो, मुझे मीठा खाना सबसे पहले पसंद है, खाने के बाद मैं नहीं खा पाती हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया, और ये कुछ साबूदाना और सेवैया से बना डिज़र्ट था, और ये बहुत ही यमी था। मैंने भी कहीं बंद कर दिया था क्योंकि मैं इंजॉय कर रही थी। और ये रहा, मैंने इतना सब कुछ खा के ख़त्म कर दिया। एक्चुअली इतना सारा राइस दे दिया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था मुझसे। और मैंने पिया वाटरमेलन जूस। और ये रहा मेरा पेट जो इतना बाहर निकला है, इतना खा लिया। और ये दादू परेशान हो गए रूदा को खिलाते खिलाते, वो कह रहे फाइनली ले ले तू और चल घर। तो हम जा रहे हैं घर एंड रूदा इज स्टिल इंजॉइंग, टच वुड माय बेबी नज़र नहीं लगे। एंड रूदा इट सी व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज़ व्हाट, इट्स अ कैजुअल थिंग यार, जीन्स टी शर्ट मैं पहन के गई थी, रूदा के साथ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।